नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जहांगीर स्वागत करता हूं आपका क्वालिटी एजुकेशन के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए जो NCRB रिपोर्ट है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जो रिपोर्ट जारी की जाती है, उसके जो टॉप MCQ है वो हम सॉल्व करने वाले हैं। ये जो सारे जो MCQ है आपके आगामी जो एग्जाम है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का, उसके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। यहाँ से क्वेश्चन पक्का आपके छपने वाला है, इसलिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले जैसे मैं हर क्लास में बताता हूँ, जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आए, क्योंकि जो NCRB जो रिपोर्ट है वो मैंने आपको यूट्यूब चैनल है अपना उस पर करवा दी है कंप्लीट, जहाँ पर आप सारी चीज़ें देख सकते हो कितना क्या आंकड़ा है। और अब आपने सारी चीज़ें यदि पढ़ ली है तो आपको सीधा क्या करना है, क्वेश्चन देखना है, उसका आंसर देने का कोशिश करनी है। अब देखो हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की। लिखा हुआ है कि NCRB रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2022 में, अब देखो जो NCRB रिपोर्ट के बारे में बात करें तो सबसे पहले बात आपको ये याद रखनी है कि इस बार की जो NCRB रिपोर्ट है वो है कौन सी, तो वो है 2022 वाली। ये जारी कब हुई थी, तो जारी हुई थी ये दिसंबर 2023 में। कब जारी हुई थी, दिसंबर 2023 में ये रिपोर्ट जारी हुई थी। थोड़ा सा अपन NCRB के बारे में बात कर लें, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना NCRB की अपन बात कर रहे हैं, तो इसकी स्थापना के बारे में बात करूं मैं सबसे पहले, तो इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। 1986 में क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी कब हुई, 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है, ये भी पूछा जा सकता है। तो हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में क्या है इसका हेडक्वार्टर है, याद रह जाएगा। पहले बात तो आपको ये याद रखना है कि जो NCRB है उसकी स्थापना कब हुई, तो 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और ये जो भारत सरकार की जो होम मिनिस्ट्री है उसके अंडर ये काम करता है, मतलब जो NCRB है वो किसके अंडर काम करता है, गृह मंत्रालय के अंदर काम करता है। अभी मैं बात करूं कि इसके प्रमुख कौन है, NCRB के प्रमुख कौन है, तो वो है आपके विवेक गोगोई। प्रमुख के बारे में बात करूं कि जो NCRB है उसके प्रमुख कौन है, तो वो है आपके विवेक गोगोई। अब देखो ये तो बात हो गई NCRB की, अब हम बात करते हैं SCRB की, मतलब स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। किसकी बात कर रहे हैं, ये हमने NCRB की बात की थी, अब हम बात कर रहे हैं आपके SCRB की। SCRB फुल फॉर्म क्या है, स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। यहाँ पर क्या है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। वही स्टेट में क्या होगी, नेशनल में, केंद्र में नेशनल होगी और राज्य में क्या होगी, स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो होगा, ये तो नॉर्मल चीज है। इसके बारे में बात करूं तो इसका मुख्यालय कहां पर है, तो इसका हेडक्वार्टर है अपने जयपुर में। कहां पर स्थित है, जयपुर में स्थित है। और ये क्या करता है, यहाँ पर क्या है, सारे जो फिंगरप्रिंट्स के, जैसे मान लो जितने भी जो अपराधी है उनके फिंगरप्रिंट्स है, उनके डाटा है सारा, इसे क्या होता है कि कोई भी मान लो अपराधी है उसके फिंगरप्रिंट आपको मिले तो तुरंत आप क्या करोगे, वहां से ये जो आपके SCRB है वहां से क्या कर सकते हो, चीजों को देख सकते हो कि ये जो फला फिंगरप्रिंट्स है वो किसका है। अब देखो हम बात करें कि जो SCRB है इसका गठन कब हुआ था, तो देखो सबसे पहले मैं बात करूं 1980 की, 1980 की, तब इसकी स्थापना किस नाम से हुई थी, उस समय इसकी स्थापना राजस्थान पुलिस कंप्यूटर सेंटर के नाम पर हुई थी, राजस्थान पुलिस कंप्यूटर सेंटर के नाम से इसकी स्थापना हुई थी कब, 1980 में। फिर क्या किया गया, 1986 में, कितनी तारीख थी आपके, 16 अगस्त 1986 कब, 16 अगस्त, यहां लिख देता हूं। फिर क्या हुआ, 16 अगस्त 1986 को इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया था, SCRB कर दिया गया था। ये चीज समझ में आ रही है क्या, मैं बात कर रहा हूं SCRB की हेडक्वार्टर कहां पर है, जयपुर में है। 1980 में राजस्थान पुलिस कंप्यूटर सेंटर के नाम से इसकी स्थापना हुई थी, फिर 16 अगस्त 1986 का इसका नाम क्या कर दिया गया था, SCRB कर दिया गया था। यहां तक चीजें क्लियर है। फिर हम बात करें कि इसके जो प्रमुख है, जो DIG है वो कौन है, सॉरी जो DGP है वो कौन है, तो वो है आपके उत्कल रंजन साहू। कौन है, उत्कल रंजन साहू है इसके आपके जो क्राइम के हम बात करें DSP। फिर बात करें इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा बात करें, लिखा हुआ है NCRB रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2022 में महिलाओं के खिलाफ सर्वाधिक अपराध किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में दर्ज किए गए हैं। तो देखो महिलाओं के
खिलाफ में अपराध के बारे में बात करूं तो सबसे ज्यादा जो अपराध दर्ज किए गए हैं वो किए गए हैं अपनी राजधानी नई दिल्ली में। कहां पर? नई दिल्ली में सबसे ज्यादा महिलाओं से खिलाफ सर्वाधिक अपराध कहां पर हुए हैं? नई दिल्ली में हुए हैं। ये आपके लिए, मेरे लिए, सभी के लिए एक गंभीर विषय है कि राजधानी जहां पर इतना पुलिस प्रशासन तंत्र रहता है उसके बावजूद भी जब आप एनसीआरबी की रिपोर्ट देखोगे तब आपको ये पता लगेगा कि सबसे ज्यादा क्राइम महिलाओं के खिलाफ कहां पर हो रहा है, तो राजधानी में हो रहा है। कितने? 14,247 मामले हैं वो है। कितने? 14,247 टोटल मामले हैं वो कहां हुए हैं 2022 में। ये बात किसकी की जा रही है? रिपोर्ट कब आई थी? तो वो आई थी दिसंबर 2023 में। और बात किसकी की जा रही है, मतलब आंकड़ा कौन सा है? तो आंकड़ा है 2022 वाला। ये चीजें क्लियर है। फिर देखो हम आगे बात करें कि इसी में ही बात करते हैं हम कि इसमें देश की औसत क्या है, मतलब औसत कितने अपराध हो रहे हैं, तो वो हो रहे हैं 66.4%। मतलब जो दर है इसमें अपराध की वो कितनी है? 66.4% है। जबकि दिल्ली के बारे में बात करूंगा तो वो है आपकी 144, मतलब आप समझ रहे हो 144 वहां पर देश में टोटल 66.4% यदि अपराध हो रहे हैं तो उसकी तुलना में आप देखोगे कि दिल्ली में कितने हैं, तो वो है 166.4 है। तो ये बहुत ज्यादा है। इतने आंकड़े आपको वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना सा याद रख लेना कि सबसे ज्यादा अपराध कहां हो रहे हैं, दिल्ली में हो रहे हैं महिलाओं के खिलाफ। कितने आंकड़े दर्ज किए गए हैं? तो 14,247 जो आंकड़े हैं वो दर्ज इस बार किए गए हैं। यहां तक चीजें क्लियर? मुझे बताओ, एक तो एनसीआर भी समझ में आ गया क्या, और आपके एससीआर भी समझ में आ गया, और ये क्वेश्चन आपके क्लियर हो गया है। फिर देखो आगे बात करते हैं। आगे हम बात करें कि जो एनसीआरबी रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2022 में 2021 की तुलना में देश भर में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में क्या परिवर्तन हुआ है, कि जो महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं उसमें परिवर्तन क्या हुआ है, बढ़ोतरी हुई है, कमी हुई है, क्या हुआ है, तो इसके बारे में बात करें तो इसमें 4% की वृद्धि हुई है। कितने प्रतिशत की? 4% की वृद्धि हुई है। ये आप सभी के लिए, हम सबके लिए सोचने के विषय है। जब अपन इतना टेक्नोलॉजी हमारी इतनी डेवलप हो गई है, हमारी पुलिस प्रशासन है वो इतना अच्छा मजबूत हो गया है, उसके बाद में अपराध कम होने चाहिए भाई। शिक्षा बढ़ रही है, एजुकेशन में अपन अच्छे जा रहे हैं, जब सारा तंत्र है, मॉनिटरिंग का सिस्टम है, वो सारा बढ़ रहा है, उसके बावजूद भी जो महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है वो क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। टोटल अपराध के बारे में बात करूं तो 4,45,256 अपराध दर्ज किए गए हैं। अब ये जो अपराध कौन से हैं जो दर्ज किए गए हैं, मेरे बात की ध्यान देना कि मैं कह रहा हूं ये वह अपराध है जो दर्ज किए हैं। आप ये सोचो कितने सैकड़ों ऐसे अपराध होंगे जो दर्ज ही नहीं होते हैं, वो इस आंकड़े में नहीं दिया गया है। कितने? 4,45,256 आंकड़े दर्ज किए गए हैं। वृद्धि कितने की हुई है? आपके एग्जाम के दृष्टि से बात करूं तो ये आंकड़ा आप अच्छे से याद रख लेना, कितनी प्रतिशत की? 4% की वृद्धि दर्ज की गई है। फिर देखो आगे बात करें, आगे लिखा हुआ है एनसीआरबी रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2022 में देश भर में दहेज मृत्यु के सर्वाधिक मामले किस राज्य में दर्ज किए गए हैं। दहेज मृत्यु मतलब दहेज का प्रेशर के कारण यदि कोई महिला अपनी जान ले लेती है तो वो आंकड़े सबसे ज्यादा कहां पर है, तो वो है आपके उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ऐसे आंकड़े दर्ज किए गए हैं। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करो। लिखा हुआ है एनसीआरबी रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2022 के अनुसार, तो दो बार हो गया कि वर्ष 2022 के अनुसार, देखो एनसीआरबी रिपोर्ट वर्ष 2022 के अनुसार सबसे अधिक आत्महत्याओं के मामले दर्ज किए गए हैं। अब देखो टोटल हम बात करें तो इस बार 2022 में 1,07,000 जो मामले हैं वो दर्ज किए गए हैं। कितने? कुल जो मामलों की संख्या के बारे में बात करोगे तो वो 1,07,000 मामले हैं, उससे भी ज्यादा मामले हैं, इससे भी ज्यादा है, इससे भी मैं नहीं कह रहा हूँ एग्जैक्ट कितने हैं, इससे भी ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। इसमें एक गंभीर चीज ये है कि 1/3 है वो कौन है, वो है किसान और मजदूर है। अब सोचो कितनी गंभीर स्थिति बनी हुई है। वही मैं बात करेंगे सबसे ज्यादा आत्महत्या कहां पर हुई है, तो वो हुई है महाराष्ट्र राज्य में। सबसे ज्यादा कहां पर? महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज्यादा आत्महत्याएं हुई है। 1/3 हम बात करेंगे टोटल, सबको 100% माने या आपको एक माने तो एक तिहाई जो आत्महत्याएं की है वो किसान और मजदूर वर्ग ने की है। वही मैं बात करूं महिलाओं की, महिलाओं के बारे में बात करें तो टोटल 45,000 जो आत्महत्याएं हैं वो महिलाओं द्वारा की गई है। वहीं मैं बात करूं कि जो छात्र है, जो स्टूडेंट है, छात्र छात्राएं दोनों आ गया है इसमें, उसमें 12,000 आत्महत्याएं की गई है। आप अभी भी देख रहे हो, अभी नीट एग्जाम का कुछ रिजल्ट वगैरह आया था और उसमें आपने देखा होगा कि कोटा में हर मतलब एक वीक में 3 बच्चों ने आत्महत्याएं कर दी है।
आत्महत्या कर ली है, इसके जिम्मेदार कौन है? कहीं ना कहीं पेरेंट्स है, कोचिंग है, क्योंकि कोचिंग इतने छोटे बच्चे हैं, 11th 12th वाले बच्चे होते हैं, उन पर इतना प्रेशर रहता है दुनिया भर का कोचिंग की तरफ से, पेरेंट्स, अब पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा चीज़ें को समझने की आवश्यकता है, यहाँ पर बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स की गलती है, क्योंकि कोई भी बच्चा है उसको 10वीं क्लास में भेज दिया वहाँ पर एजुकेशन के लिए, वहाँ पर इतना प्रेशर है, टीचर का हैंडल है, आपको या अपना सोशल स्टेटस है उसको मेंटेन करना है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बच्चे के मानसिक रूप से प्रताड़ित करती है, इसलिए छात्र छात्राएं दोनों हो जाता है इसमें, है ना, ये मत मानो ओनली लड़के हैं, दोनों हैं, वो कितने हैं 12,000 लड़कों ने क्या कर दिया है, लड़कियों ने क्या कर दिया है, आत्महत्या कर ली है, ये सभी के लिए गंभीर विषय है। देखो सबसे ज्यादा अपराध कहाँ पे दर्ज किए गए हैं, वो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा अपराध दर्ज किए गए हैं। यहां तक मुझे बताओ सारी चीजें क्लियर, फिर देखो आगे बात करते हैं। आगे बात करें एनसीआरबी रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2022 में महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न के अपराधों में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है, और ये है अपने लिए कौन सा, बात करें सबसे ज्यादा जो यौन अपराध है वो कहां पर हुए हैं, वो हुए हैं राजस्थान में। सबसे ज्यादा बलात्कार के जो मामले हैं वो कहां पर दर्ज किए गए हैं, वो भी राजस्थान में दर्ज किए गए हैं। फिर देखो आगे बात करें, आगे लिखा हुआ है एनसीआरबी रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2022 में नाबालिग लड़की के अपहरण आईपीसी की धारा 366A के तहत सर्वाधिक प्रकरण किस राज्य में दर्ज किए गए हैं। तो देखो नाबालिग का अपहरण के बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा जो मामले दर्ज किए गए हैं वो किए गए हैं उत्तर प्रदेश यूपी में। फिर देखो आगे देखें, आगे लिखा हुआ है एनसीआरबी रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2022 में साइबर अपराधों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। साइबर अपराध मतलब जो मोबाइल से थ्रू होते हैं, जो साइबर हैकर्स हैं उनके द्वारा जो अपराध किए जाते हैं उसे बोला जाता है साइबर अपराध। साइबर अपराध के बारे में बात करूं तो इसमें 24.4% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। कितनी? 24.4% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। आप ये देखो ये जो आंकड़े हैं वो कौन से हैं, जो दर्ज किए गए हैं। आपने देखा होगा आपके आसपास में परिवार में कि कई लोगों का जो फोन है वो हैक हो जाता है, मोबाइल वगैरह है, व्हाट्सएप से आपको मैसेज आने लग जाते हैं कि इतने रुपए डाल दो अर्जेंट है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये साइबर फ्रॉड ही है। और साइबर फ्रॉड में आप ये सोचो कितने प्रतिशत लोग हैं जो साइबर फ्रॉड को दर्ज करवाते हैं या पुलिस में दर्ज करवाते हैं। कई चीजें हैं, ऐसी वेबसाइट चल रही है दुनिया भर की, आपको ऐड आएगा कि ये चीजें आपको 99 रुपए में मिल रही है। अब ये जैसे मान लो कि मार्कर है, ये कितने का है, 100 रुपए का है, आपको अगर 2 रुपए में मार्कर और आप तुरंत 2 रुपए पे कर दोगे, मान लो 200 रुपए आपने पे कर दिए, 1000 रुपए का मार्कर है और वो कहीं ना कहीं हमें खुद को नहीं पता चलेगा कहाँ पर गए पैसे, ना कुछ चीज़ें मिली आपको, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये साइबर फ्रॉड के अंदर आती है। इसमें आपको गुमराह कर दिया जाता है, कई बार आपके पास फोन आते हैं, फेक कॉल आ गए कि भाई आपका एटीएम बंद होने वाला है, ये साइबर फ्रॉड होते हैं। और आप ये सोचो दुनिया भर के होते हैं, उसके बावजूद भी ये बताएं 24.4% की वृद्धि हुई है। एक्चुअल तो पता नहीं कितने ही मामले हैं, टोटल मामलों के बारे में बात करें तो 65,000 के करीब मामले होते हैं। कितने? 65,893 मामले हैं वो दर्ज किए गए हैं साइबर फ्रॉड के 2022 में। फिर देखो आगे बात करें, आगे लिखा हुआ है कि रिपोर्ट एनसीआरबी रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2022 में देश भर में बलात्कार के सर्वाधिक अपराध किस राज्य में दर्ज किए गए हैं। मैं आप बात करूं कि बलात्कार के जो सर्वाधिक मामले हैं वो कहां पर हैं, वो है आपके राजस्थान में। देखो गंभीर चीजें हैं, तो आपने सोचा होगा पिछली बार, एक बार मैंने एनसीआरबी रिपोर्ट पढ़ाई थी तब एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर इतनी उदास क्यों हो, आराम से हंसकर पढ़ाऊंगा। देखो क्या होता है कि ठीक है, जो चीज़ें हम पढ़ाते रहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको, आप भी खुद भी देख रहे होंगे, जब आप अपना आंकड़े देखते हैं ऐसे गंभीर किस्म के, तो कहीं ना कहीं दिमाग में रहता है कि यार इतनी चीज़ें खराब है, वो भी सारी दर्ज होने के बाद, तो दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ें चलती रहती है। कमेंट आ रहा था कि सर आप बड़े उदास होकर ये रिपोर्ट पढ़ा रहे हो एनसीआरबी, आराम से मस्त होकर पढ़ाया करो। देखो आप चीज़ें कहीं ना कहीं दिमाग में रहती है कि यार इतने बलात्कार जैसे गंभीर किस्म की है कि एक बात करो पूरे परिवार की जिंदगी उजड़ जाती है इन चीज़ों में, तो इनमें गंभीरता तो आपको लानी ही पड़ेगी। फिर देखो हम बात करें सबसे ज्यादा अपराध कहाँ हुए हैं, राजस्थान में हुए हैं। वही मैं बात करूं इसमें वृद्धि कितनी हुई है, तो देखो 2021 की तुलना में मैं बात करूं वृद्धि कितनी हुई है, तो वो वृद्धि के बारे में बात करूं तो 4% की वृद्धि दर्ज की गई है। कितने प्रतिशत की? 4% की वृद्धि दर्ज की गई है। टोटल कितने मामले हैं, तो लगभग 42,000 के करीब मामले हैं। कितने? 4,42,256 के करीब मामले दर्ज किए गए हैं। फिर देखो आगे बात करें, आगे लिखा हुआ है एनसीआरबी रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2022 में यूएपीए, कौन सा, जो यूएपीए है उसके मामले कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो देखो यूएपीए के मामले में मैं बात करूं तो लगभग 24% की, या हम कह सकते हैं टोटल एग्जैक्ट देखोगे तो 24.4% जो मामले हैं उसमें यूएपीए के तहत अपराध है वो मामले हैं वो दर्ज किए गए हैं। फिर देखो आगे देखें,
आगे लिखा हुआ है एनसीआरबी रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2022 में, ये चीज बार बार रिपीट हो रही है ना, बार बार रिपीट हो रही है। तो यानी किसकी तुलना में बालकों के खिलाफ अपराध, जो छोटे बच्चे हैं उनके खिलाफ जो अपराध है उसमें कितनी प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। तो देखो इसमें हम बात करें तो टोटल 8.7% की वृद्धि दर्ज की गई है। कितनी? 8.7% की वृद्धि इसमें दर्ज की गई है। अधिकांश जो मामले हैं वो किसके हैं? अपहरण है, बच्चों की ज्यादा चीजें यही देखी जाती है कि अपहरण कर लिया, फिर फिरौती मांग ली। टोटल हम बात करें तो 45.7% जो मामले हैं वो किसके हैं, या हम कह सकते हैं कि अधिकांश जो मामले हैं अपहरण से संबंधित है, मतलब सबसे ज्यादा जो मामले होंगे वो किससे हैं? अपहरण से हैं। फिर मैं बात करूं लगभग 39.7% जो मामले हैं वो किससे हैं? आपके यौन शोषण से संबंधित है, बच्चों में यौन शोषण पॉक्सो की जिसकी हम बात करते हैं उससे जो मामले हैं वो है कितने? 39.7%। ये है सारी बात। टोटल देखो ये चीजें याद रखने वाली चीजें हैं, जहां पर देखो कुछ चीजें ऐसी होगी जो आपको अच्छे से याद ही करना पड़ेगा, इनका आंकड़ा ही याद करना पड़ेगा। देखो इसमें क्या याद रखना है कि हम बात करें 2022 में, 2021 की तुलना में जो बालकों के प्रति अपराध है, बच्चों के प्रति अपराध है, उसमें कितने क्या परिवर्तन हुआ है? तो उसमें 8.7% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। अधिकांश मामले किसके हैं? तो वो है आपके जो अपहरण के मामले हैं, और वही बात करें जो पॉक्सो है, यौन शोषण है, उसके मामले कितने हैं? तो वो है आपके 39.7%। फिर देखो आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है कि एनसीआरबी रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2022 में महिलाओं के विरुद्ध बलात्कार के अपराधों की 2021 की तुलना में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो देखो मैं बात करूं इसमें कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो वो हुई है 11.5% की वृद्धि, या 11.50% अपन बोल सकते हैं। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 11.50% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। मुझे बताओ ये याद रह जाएगा क्या? फिर देखो आगे बात करते हैं। आगे लिखा हुआ है एनसीआरबी रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2022 में पोक्सो एक्ट के तहत सर्वाधिक अपराध किस राज्य में दर्ज किए गए हैं? जो पॉक्सो एक्ट है उसके तहत सर्वाधिक मामलों के बारे में बात की जाए तो वो दर्ज किए गए हैं आपके उत्तर प्रदेश में। फिर देखो आगे बात करें, एनसीआरबी रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2022 में महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न की औसतन प्रतिदिन कितनी घटना होती है? मतलब ये बात की जा रही है कि 2022 में औसतन प्रतिदिन निकालें कि एक दिन में कितनी महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न की जो घटनाएं हैं वो होती है। तो उसमें मैं बात करूं तो घटनाएं आएगी आपकी कितनी? 3 घटनाएं होती है। कितनी? प्रतिदिन 3 घटनाएं। प्रतिदिन कितनी? औसत निकालेंगे तो प्रतिदिन 3 महिलाओं के साथ क्या हो रहा है? भारत में यौन उत्पीड़न हो रहा है, ये कहता है आपके एनसीआरबी। फिर लिखा हुआ है एनसीआरबी रिपोर्ट 2022 के अनुसार सबसे सुरक्षित शहर है, कौन सा ऐसा शहर है जो कि सबसे सुरक्षित शहर के श्रेणी में आता है? उसमें हम बात करें तो सबसे सुरक्षित शहर है आपके कोलकाता। कौन सा है? कोलकाता। देखो फर्स्ट नंबर पे सबसे सुरक्षित कौन है? कोलकाता है। दूसरे नंबर पर बात करोगे तो कौन सा है? पुणे है। तीसरे नंबर पर कौन है आपके? मुंबई है। सबसे खराब शहर कौन सा है? सबसे खराब शहर है महिलाओं के हिसाब से तो वो है अपना राजधानी नई दिल्ली को कहा जा रहा है। कि ये क्या है कि महिलाओं के हिसाब से देखा जाए तो ये सबसे खराब शहर है, और सबसे अच्छा तो कोलकाता है वो कहा जा रहा है। कि महिलाओं के हिसाब से बात की जाए, कि महिलाओं की सुरक्षा के हिसाब से देखा जाए तो ये सबसे अच्छा शहर कौन सा है? कोलकाता है। फिर हम बात करें नेक्स्ट, लिखा हुआ है एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम के तहत बाल श्रम के सर्वाधिक प्रकरण किस राज्य में दर्ज किए गए हैं? इसके बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा जो प्रकरण है वो कहां पर है? आपके तेलंगाना में। आगे देखें, आगे लिखा हुआ है एनसीआरबी रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2022 में अपराध दर कितनी थी? देखो अपराध दर है वो ये देखा जाता है कि 1 लाख, जो प्रति 1 लाख जनसंख्या है उस पर अपराध देखा जाता है। ये चीज पहले याद रखना है कि प्रति 1 लाख जनसंख्या पर इसको निकाला जाता है कि प्रति 1 लाख जनसंख्या पर कितने अपराध हो रहे हैं, कितने अपराध दर्ज हो रहे हैं उसके हिसाब से निकाली जाती है ये आपके अपराध दर। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाएगा आपके अपराध दर। प्रति 1 लाख जनसंख्या है उस पर कितने अपराध हो रहे हैं ये इसको क्या कहा जाता है? अपराध दर कहा जाता है। अभी अपराध दर कितनी है तो वो है आपके 422.2। मतलब 1 लाख लोगों के बारे में बात करोगे तो 1 लाख लोगों की आप बात करोगे तब कितने 422.2 लोग हैं वो क्या लिखेंगे? वो है आपके अपराध में, मतलब उनके खिलाफ क्या हुआ है? अपराध हुआ है। तो ये
कौन सा आंकड़ा है, 2022 का आंकड़ा है। वहीं हम बात करें कि 2021 के बारे में बात करें तो वो आंकड़ा कितना है, वो है 445.9। मतलब आप क्या कह सकते हो कि जो प्रति व्यक्ति जो अपराध हो रहे हैं, 1 लाख पर जो अपराध हो रहे हैं, उसकी संख्या में क्या आई है, कमी आई है। क्या आई है, कमी हुई है। मेरी बात समझे क्या, कि 1 लाख लोगों पर कितने अपराध हुए हैं, इसे कहा जाता है अपराध दर। अब अपराध दर अभी कितनी है, तो 2022 में क्या बताया गया है कि 422.2 है अपराध दर। इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार लगा देता हूं, इसको जरूर याद रखना। अपराध दर कितनी है अभी, तो अभी अपराध दर है आपके 422.2। अब बात करें 2021 में अपराध दर क्या थी, तो वो थी 445.9। अपराध दर में वृद्धि हुई है, कमी हुई है, तो अपराध में क्या हुई है, कमी हुई है। चीजें क्लियर, फिर देखो आगे बात करें। आगे लिखा हुआ है एनसीआरबी रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2022 में अपहरण के सर्वाधिक मामले किस राज्य में दर्ज किए गए हैं। देखो अपहरण के मामलों के बारे में बात करेंगे हम, तो सबसे ज्यादा अपहरण के जो मामले दर्ज किए गए हैं वो कहां से किए गए हैं, उत्तर प्रदेश में बात की गई है। और बात करें बच्चों में सबसे ज्यादा अपराध है वो कौन से है, तो वो है अपहरण के मामले हैं, वो सबसे ज्यादा है। फिर देखो आगे बात करें, आगे हम बात करते हैं कि एनसीआरबी रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2022 में कुल संज्ञेय अपराध है वो कितने दर्ज किए गए हैं। तो देखो मैं बात करूं कुल अपराध कितने हैं, तो कुल अपराध है आपके, बात करें टोटल अपराध के बारे में बात करेंगे तो वो कितने हैं, वो है आपके 58,24,946 अपराध है, वो कुल अपराध दर्ज किए गए हैं, कुल अपराध दर्ज किए गए हैं। संज्ञेय अपराध कितने हैं, तो संज्ञेय अपराध है आपके 35,000 अपराध के बारे में बात करेंगे तो वो कितने हैं, वो है आपके 35,61,979 है, वो क्या है, संज्ञेय अपराध है। वही बात करें जो स्थानीय कानून के तहत, स्थानीय कानून के तहत दर्ज मामले हैं वो कितने हैं, तो वो है आपके 22,63,567 ये हैं आपके टोटल मामले। ये हो गए देखो, पहले कुल मामले, ये हैं संज्ञेय, और ये हैं स्थानीय कानून के तहत दर्ज जो मामले वो है। टोटल कमी कितनी हुई है, हम बात करें कि अपराध में कमी कितनी हुई है 2021 की तुलना में। देखो जरूर ये याद रखना किसकी तुलना में बात कर रहे हैं, 2021 की तुलना में टोटल जो अपराध है उनमें कितनी प्रतिशत की कमी हुई है, तो 4.5% की क्या हुई है, कमी हुई है। यहाँ पर रट लो इसको कि आपसे पूछे कि एनसीआरबी की रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2021 के तुलना में टोटल जो अपराध हुए हैं उसमें कितनी प्रतिशत की कमी हुई है, तो आप कहोगे कितने, 4.5% की क्या हुई है, कमी दर्ज की गई है। ये चीज याद आ जाएगी क्या मेरे साथ, बोलो कितनी कमी हुई है 2022 में, 2021 की तुलना में कितनी कमी दर्ज की गई है, 4.5% की कमी दर्ज की गई है। यहां तक आपके जो आज की क्लास है वो कंप्लीट हो जाती है। यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो उसके बारे में आप क्या कर सकते हो, जो कमेंट बॉक्स है वहां पर कमेंट करके मुझे चीजें बता सकते हो। बाकी आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो कमेंट में बता देना, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करना है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।